वोट का अधिकार बताकर उनको बताया जाता है कि देश की सत्ता वोट से पलटी जा सकती है। और वोट से बाबा साहब ने बताए थे कि आप वोट के अधिकार का यूज तलवार के तरह कर सकते हैं। और सारे बहुजनों को आह्वान करता हूँ, एससी एसटी ओबीसी को, कि सारे एकजुट हो जाओ और मत का अधिकार को पहचानो, एक जगह हाथी निशान को सामने देखकर मतदान दो और देश का एक ही नेता जो बहन जी है उसको प्रधानमंत्री बनाना है। और ये 100 लंगड़े मिलकर भी पूरे देश में ये 100 नेता जो लंगड़े बने हैं अपने आप को नेता कहते हैं, देश में एकमेव बहुजन समाज का अगर सशक्त नेता है, बहुजन समाज की आयरन लेडी है, या बहुजन समाज को उद्धार करने के लिए जो लड़ पड़ी है वो एकमेव बहन मायावती जी है। इस देश में एक तो बहुजनों का राज होगा और नहीं तो 24 में एक तो मनुवादियों का राज होगा। साथ ही जय भी, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, लोकसभा 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दावपेच को लेकर सियासी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी ने भी अब पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। जिस प्रकार बहन मायावती के दिशा निर्देश अनुसार गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा रास तुम्हारा नहीं चलेगा ये तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में जुट चुकी है। ऐसे में इस वक्त हम लोग गोंदिया के ग्राम बोटी में खड़े हैं। बोटा ये जो गाँव है ये गोरेगांव क्षेत्र के अंदर में आता है और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता है जिनका हाल ही में यहाँ पर गांव चलो अभियान के अंतर्गत संगठन समीक्षा बैठक अभी संपन्न हुआ है और तमाम कैडर कैंप भी यहाँ पर हुआ है, जिसको लेकर हम तमाम इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति होगी। और ये तमाम लोगों का ये कहना है कि 2024 में भी बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखना चाहते हैं। क्या रणनीति होगी, किस प्रकार आने वाले 2024 का चुनाव आप बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे, आपका नाम बताइए पहले। मैं डॉक्टर LS तुरकर गोरेगांव से पोवार समाज से आता हूँ और OBC कैटेगरी में मेरा समावेश है पोवार समाज का। और मैं BSP का 20 साल से अंदाजे कार्य करता हूँ और कैडर कैंप भी तिरोड़ा और विधानसभा में मैं ले चुका हूँ और इसके बाद फिर से कैडर कैंप गांव-गांव लेकर हम BSP पार्टी को मजबूत बनाकर गांव-गांव में 85% जो ST OBC की संख्या है उसको एकजुट करेंगे और मनुवादी व्यवस्था जो आज तोड़फोड़ हो रही राजनीति हो रही है यहाँ और सारे पार्टियाँ एक हो रही, उसी समय कांसीराम साहब ने बताए थे कि ये सारे BJP कांग्रेस राका और क्षेत्रीय पार्टी या जितनी भी है ये एक ही मनुवादी पार्टी के बच्चे हैं और मनुवाद के बच्चे हैं, ये एक ही है। और आप उसका नक्शा महाराष्ट्र से लेके पूरे देश में देख रहे हो, ये उस पार्टी में जाते कोई पार्टियां तोड़ते हैं और अपने फायदे के लिए और सारे चीज़ों से बचने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी में प्रवेश करते हैं। BJP के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग BJP में, राष्ट्रवादी के लोग BJP में, कभी कांग्रेस में, और इससे साबित होता है कि एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे है। और कांसीराम साहब ने जब नारा दिया था ये सारे मनुवादी एक है 15%, पेन का खोका दिखाकर वो बताते थे कि ये सारे देश के लोग एक ही है और हम लोग 85% है, तुमको एक होना है। और आज सारे देश ने देख चुका है ये 85% जनता एक है और वो एक होकर रहेगी, ये बात गांव-गांव जाकर बताएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम सारे लोग करेंगे। और सारा बहुजन जाग चुका है SC ST का और वो एकजुट होकर सारा वोट का अधिकार बताकर उनको बताया जाता है कि देश की सत्ता वोट से पलटी जा सकती है। और वोट से बाबा साहब ने बताए थे कि आप वोट के अधिकार का यूज तलवार के तरह कर सकते हैं और सत्ता पे काबिज हो सकते हैं और सत्ता पे काबिज होना है। उसी तर्ज पर कांसीराम साहब ने चार चार बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ की सत्ता काबिज किए, जब उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता, ये जनता में भी जागृति आ चुकी है और वो जगाने का काम BSP के लोग सारे गांव-गांव जाके करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। उसकी शुरुआत गांव चलो अभियान ये एक नारा देकर बहन जी ने गांव-गांव सारे कार्यकर्ताओं को जाने को बोला है। उसी तर्ज पर आज बोटे ग्राम में सारे बहुजन के लोग कर यहाँ की शुरुआत किए और तिरोड़ा विधानसभा में, पूरे विधानसभा में जाकर विधानसभा की छीटों को हम लोग अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और विधानसभा से लेके पूरे जिले तक भी जाकर सांसद भी बनाएंगे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि SC ST OBC इस चैनल के माध्यम से, नेशनल चौपाल के माध्यम से ये लोग हमारे पास आए
और इन्होंने देश को सारे हमारी बातें बताने का कार्य किया, इसलिए इनका धन्यवाद भी देता हूँ। और सारे बहुजनों को आह्वान करता हूँ, SC ST OBC को, कि सारे एकजुट हो जाओ और मत का अधिकार को पहचानो, एक जगह हाथी निशान को सामने देखकर मतदान दो, और देश का एक ही नेता जो बहन जी है उसको प्रधानमंत्री बनाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। और आपको BJP कांग्रेस से लेके सारे झंडे लेकर आएंगे नीले, उनको अपना नहीं समझना है, सिर्फ नीला झंडा हाथी निशान देखकर ही मतदान करना है। ये आह्वान करते हुए मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो जिस तरीके से तमाम अभी जो बातें कही गई है, क्या लगता है क्या बड़ा कारण है देश के अंदर में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियाँ जिस तरीके से देश के अंदर में संविधान की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़ने का क्या कारण है? एक तो इस देश में 2 बात हमेशा चलते आए हैं, एक समानतावाद और एक असमानतावाद। भारत में जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है तो हमारा जो संविधान है ये समानता की बात करता है, लेकिन अब देश का दुर्भाग्य है या बहुजन समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं इनकी ना समझी समझिए कि इन्होंने असली लीडर कौन है और डीलर कौन है, इस बात को ना समझते हुए ऐसे लोगों के हाथ में संविधान को सौंपते गए आज तक, जिन लोगों का मकसद ही असमानतावाद को जारी रखना है। जी जी, क्या बताएंगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आ सकती है, या फिर बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार की बात की जा रही है, क्या लगता है आपका क्या कारण है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा होने के साथ ही जी इस देश में जो जिस तरीके से बहुजन समाज में जो समाज आता है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समाज है, इन बहुजन समाज को आज़ादी के 75 सालों के बाद में उनके संविधानिक हक अधिकार होने के बावजूद भी इस देश में मनुवादी सरकारें जो 75 साल में आज़ादी के बाद में बनी है, उन सभी सरकारों ने बहुजन समाज का जो हक अधिकार जो देना चाहिए तो आज तक के दे नहीं सके। और ऐसे हालत में बहुजन समाज के पास में एक में अभी जो अपने नेता को पहचानने का, अपने पार्टी को पहचानने का जो मुख्य मकसद है कि और अपने वोट की अधिकार को समझने का, वोट की ताकत को पहचानना, ये मुख्य मकसद बहुजन समाज के पास में आज पहुंचा है। और ऐसे हालत में सभी बहुजन समाज के लोग जो बेरोजगार है, किसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान साथी है, महिलाएं हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि इस देश में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो ये आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा जो चुनाव 2024 में लड़ा जाएगा। इस देश में एक तो बहुजनों का राज होगा और नहीं तो 24 में एक तो मनुवादियों का राज होगा। और ऐसे हालत में जो देश में हम हालत देखते हैं कि बहुत सी पार्टियाँ इन बहुजन महापुरुषों के नामों से नाम लेके, महापुरुषों के बाबा साहब, मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर जी, फुले जी, स्याऊ जी या अन्य बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेके जो बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी खुद सक्षम है। इस देश में बाबा साहब के कथन अनुसार कि जैसे शासक बनना है, वोट के ताकत से हम लोग शासक बनेंगे, ये बाबा साहब ने हमें सभी बहुजन समाज को बताया है। लेकिन इस देश में हम लोग देखते हैं कि जो महापुरुषों का नाम लेके बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी बाबा साहब के खून का वास्ता रख के या बाबा साहब या फुले शाहू का नाम लेके जो मनुवादी लोग बरगलने का काम करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहन जी का जो नेतृत्व है ये भारतवर्ष के लिए सक्षम है। और ऐसे हालत में ये जो विभिन्न पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, ये नेता नहीं है, ये कठपुतली लोग है। और ये 100 लंगड़े मिलकर भी पूरे देश में ये 100 नेता जो लंगड़े बने हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, देश में एकमेव बहुजन समाज का अगर सशक्त नेता है, बहुजन समाज की आयरन लेडी है, या बहुजन समाज को उद्धार करने के लिए जो लड़ पड़ी है, वो एकमेव बहन मायावती जी है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये 100 लंगड़े मिलकर भी एक पहलवान नहीं बन सकता, और पहलवान बनने के लिए सक्षम होना जरूरी होता है। बहुजन समाज जाग चुका है, महाराष्ट्र
राष्ट्र के धरती पर हम बाबा साहब फुले सेव को मानने वाले लोग हैं। और इस बार 2024 में आज़ादी के बाद में 75 सालों के बाद और बाबा साहब ने जो 1954 में इस भंडारा गोंदिया लोकसभा के अंदर जो बहुजनों का हित लेकर यहाँ जब चुनाव में डटे थे, लेकिन मनुवादी लोगों ने बाबा साहब को पराजित करने का काम किया। लेकिन 2024 में 1954 से लेकर 2024 में ये 70 सालों का बदला इस 2024 में भंडारा और गोंदिया जिला लोकसभा के लोग इस चुनाव में लेंगे और इस लोकसभा के अंदर बहुजन समाज के लोग जागने के लिए घर घर चलो अभियान के अंतर्गत इस 1954 का बदला लेके बहन जी को शासक बना के इस देश में अंबेडकरवाद को आगे पहुंचाना है। और ये वोट की ताकत एक हर समाज में कैसी जागरूकता निर्माण करने के लिए हर घर में ये चीज़ें हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। तो जिस तरीके से तमाम हमने बातचीत की है, क्या बताएंगे सर आप, यहाँ पर काफ़ी समय से हम आपको देख रहे हैं, किस तरीके से संगठन का काम चल रहा है, क्या बताएंगे, क्यों जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से? मैं बहुजन समाज पर, मेरा नाम कैलाश गजबी है और मैं गोरेगांव तिरौड़ विधानसभा प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, सभी महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक के पहुँचाने का काम कर रही है। जो इसके पहले जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे के हमें, मैंने वोटिंग की मशीन से पैदा करने के लिए कहा। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी शासक बन के इस देश को एक हुक्मरान बनाना चाहती है। इस देश में जो 85% समाज इसको राजा बनाना चाहती है। और इसके लिए हम बहन मायावती का गांव गांव पहुँच कर, गाँव गाँव में जाकर बूथ और सेक्टर को कंप्लीट करके हम बहन मायावती को आने वाले 2024 में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जी जी, आपने यहाँ पर ये जो बातें सुनी हैं, ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनका ये कहना है कि आने वाले लोकसभा 2024 के इस चुनाव में वो बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ में देश के अंदर में चलने वाली तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा को लेकर, इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लेकर आप क्या सोच रखते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बने रहे। नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।